सीएम योगी के करीबी माने जाने वाले आईएएस अवनीश अवस्थी बुधवार को रिटायर हो चुके हैं। नौकरशाही में अवनीश के एक्सटेंशन को लेकर अटकले थी, मगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब अवनीश अवस्थी का क्या होगा। खबर है कि भले ही उनको केंद्र ने एक्सटेंशन ना दिया हो, मगर सीएम योगी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसकी वजह है 2017 में केंद्र से यूपीआई अवनीश अवस्थी लगातार योगी सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो सीएम ने अवनीश अवस्थी के लिए पहले से ही जिम्मेदारी तय कर रखी है। उनको सीएम का चीफ एडवाइजर बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यूपीडा के चेयरमैन बनाने का है। यूपी में 2 एक्सप्रेसवे बनाने में अवनीश अवस्थी की अहम भूमिका रही है। 3 एक्सप्रेसवे अभी भी पाइपलाइन में है। ऐसे में उनको यूपीडा की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन नहीं मिल पाया है। केंद्र ने उनकी एक्सटेंशन वाली फाइल पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। देश में कहीं भी ACS यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देने का कोई उदाहरण नहीं है। सिर्फ DGP और चीफ सेक्रेटरी को ही एक्सटेंशन मिल सकता है। अवनीश अवस्थी ना तो चीफ सेक्रेटरी हैं और ना ही DGP। ऐसे में उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। अगर केंद्र अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन देता तो फिर बाकी राज्यों से भी ऐसी मांग आ सकती है। शायद इसीलिए केंद्र ने कोई नई परिपाटी नहीं शुरू की। अवनीश अवस्थी यूपी की नौकरशाही में बेहद चर्चित हैं। वह सीएम के बेहद खास माने जाते हैं, मगर उनको लेकर नौकरशाही के एक हिस्से में नाराजगी भी रहती है। अवनीश के एक्सटेंशन वाले फाइल पर DOPT में कोई फैसला नहीं हुआ। इसके पीछे यूपी की नौकरशाही की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बताई जाती है। संजय प्रसाद 1995 बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में सीएम योगी के प्रमुख सचिव हैं। सूचना विभाग की जिम्मेदारी भी संजय प्रसाद के पास है। इन जिम्मेदारियों के साथ ही उन्हें गृह विभाग का एडिशनल चार्ज दिया गया है। संजय प्रसाद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें उन्हें यूपी कैडर मिला। फिलहाल अवनीश अवस्थी के सारे विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। खबर यह भी है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। सीएम कर्नाटक दौरे से लौटकर इस पर फैसला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।